वेलकम फ्रेंड्स, ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट सीरीज की पार्ट टू वीडियो है। इस वीडियो में हम इंसर्शन ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेंगे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। इससे पहले हमारे लास्ट वीडियो पार्ट वन में मैंने आपको लिंक्ड लिस्ट प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था और हमने दो ऑपरेशंस ट्रैवर्सल एंड सर्च के बारे में डिटेल में समझा था। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट वन को ज़रूर देखिए। पार्ट वन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम थर्ड ऑपरेशन इंसर्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। इस केस में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, अगर आपको न्यू नोड बिगनिंग में इंसर्ट करनी है, जैसे ये हमारी लिंक लिस्ट है, इसके बिगिनिंग में आपको कोई न्यू नोड इंसर्ट करनी है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपको लिस्ट के मिडल में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे ये आपकी लिंक लिस्ट है, इसके दो नोड्स के बीच में आपको अगर कोई न्यू नोड इंसर्ट करनी पड़े तो क्या प्रोसीजर है। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है कि हमें लिस्ट के एंड में कोई न्यू नोड इंसर्ट करनी पड़ सकती है। तो उस केस में अब ये तीन केसेस बनते हैं। इन तीनों केसेस में क्या क्या करना है ये अब हम डिटेल में देखेंगे। अभी हमने इन तीनों केसेस को ब्रीफ में देखा, अब इसके बाद एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं एल्गो के साथ। तो हमारा फर्स्ट जो केस था वो था कि बिगनिंग में अपनी सिंगली लिंक लिस्ट के बिगनिंग में अगर आपको न्यू नोड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले आपको न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करनी होगी। देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि उसकी डाटा फील्ड को आप वैल्यू असाइन करोगे। तो सेकेंड स्टेप है हमारा असाइन वैल्यू, ठीक, न्यू नोड की वैल्यू को आप असाइन करेंगे, जो आप ऐसे न्यू नोड डॉट डाटा से आप असाइन कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब हमने न्यू नोड को वैल्यू असाइन कर दी, अब हमें इसके नेक्स्ट को एड्रेस देना होगा जो स्टार्ट के पास एड्रेस है, यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस इसे पॉइंट करना होगा जिससे ये इसको लिंक करने लगेगा। तो थर्ड स्टेप है हमारा कि हमें न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को लिस्ट की फर्स्ट नोड का एड्रेस देना होगा और वो एड्रेस हमारे स्टार्ट वेरिएबल ने होल्ड किया है। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा, अब हमें इस स्टार्ट को मूव करना है क्योंकि अब ये हमारा लिस्ट का फर्स्ट नोड है, तो हम इस पॉइंटर को यहाँ से मूव करके न्यू नोड पे लगा देंगे, यानी कि अब हमारा स्टार्ट जो है वो इक्वल टू न्यू नोड हो गया। तो ये चार स्टेप्स हैं जिनसे हम अपनी सिंगली लिंक लिस्ट की बिगिनिंग में हम कोई भी न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हैं। अब सेकंड केस हमारा है मिडल ऑफ द लिस्ट, मींस आपको अपनी सिंगली लिंक लिस्ट के किसी भी बीच में, दो नोड्स के बीच में आपको न्यू नोड इंसर्ट करनी है। तो हमारे क्या स्टेप्स बनते हैं इस केस में, हमें आइडेंटिफाई करना होगा पहले कि वो कौन सी दो नोड्स हैं जिनके बीच में हमें अपनी न्यू नोड इंसर्ट करनी है। लेट अस सपोज ये हमारी लिंक लिस्ट है और हमारी न्यू नोड है जिसका डाटा है 30, तो इस केस में हमें 20 और 40 के बीच में ये न्यू नोड इंसर्ट करनी है। तो स्टेप में हमारा आएगा, पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई टू नोड्स जिनके बीच में हमें वो न्यू नोड इंसर्ट करनी है और उन्हें मार्क कर देना है प्रीवियस और करंट के नाम से। तो वो इस चीज़ को करने के लिए भी क्या हमारे स्टेप्स हैं वो देखते हैं हम। स्टेप्स हैं जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, दो वेरिएबल इस केस में हमें चाहिए, करंट और प्रीवियस हम लेते हैं,
इस केस में करंट को आप स्टार्टिंग में स्टार्ट के इक्वल कर दो, ताकि करंट स्टार्ट को, जो स्टार्ट पॉइंट कर रहा है जिस नोड को, करंट भी उसे पॉइंट करे। उसके बाद हम बी में लेते हैं कि प्रीवियस जो आपका वेरिएबल आप लोगे उसको आप नल कर दो एक स्टेप पीछे करंट के, राइट। प्रीवियस हमने ले लिया जो अभी इक्वल टू नल है। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को आगे आगे मूव करना है जब तक कि वो अपने डिजायर्ड लोकेशन तक नहीं पहुंच जाते। तो आगे मूव करने के लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी हमारी कि हमें करंट का डाटा अपनी न्यू नोड के डाटा से इक्वेट करना है, चेक करना है कि करंट और डाटा जब तक कि वो ग्रेटर नहीं हो जाता हमारे न्यू नोड और डाटा से, तब तक हमें मूव करना है आगे। तो यानी कि हमें रिपीट करना है, कब तक रिपीट करना है, जब तक हमारा करंट डॉट डाटा ग्रेटर देन न्यू नोड डॉट डाटा से नहीं हो जाता, तब तक या तो ये कंडीशन और हमारा करंट जो है वो नल नहीं हो जाता, करंट इक्वल टू नल। उसके बाद तब तक क्या करना है हमें, कंपेयर करना है। इस केस में जो हमारी कंडीशन आएगी वो आएगी कंपैरिजन की, ये देख लिया आपने, और इंक्रीमेंट करेंगे हम प्रीवियस को, लूप के अंदर जाएगा तो प्रीवियस जो है वो इक्वल टू करंट हो जाए, यानी प्रीवियस को हमने एक बढ़ा दिया, और करंट को भी हम एक मूव करेंगे आगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा, हमारा करंट और प्रीवियस दोनों आगे मूव कर जाएंगे, प्रीवियस अब इधर करंट के पास आ जाएगा और करंट जो है वो इसे पॉइंट करेगा, प्रीवियस अब यहाँ आ गया और करंट यहाँ आ गया। अगेन कंपेयर किया तो करंट की वैल्यू स्टिल न्यू नोड की वैल्यू से छोटी है, तो हम प्रीवियस को एक स्टेप आगे कर देंगे और करंट भी हमारा एक स्टेप आगे हो जाएगा। इस केस में जब वैल्यू चेक होगी तो आएगा कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, करंट और डाटा ग्रेटर आ गया न्यू नोड से, तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद अब हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया है वो दो नोड जिनके बीच में हमें ये न्यू नोड इंसर्ट करनी है अपनी। इस केस में हमें दो ही वेरिएबल्स चाहिए थे, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक वेरिएबल करंट लेंगे तो हम पिछले वाली नोड की लोकेशन जो है वो ट्रैक नहीं कर सकते सिंगली लिंक लिस्ट में। ये चीज़ डबली लिंक लिस्ट में हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में। सो इसके बाद क्या करेंगे हम, इस चीज़ के बाद अब हमें पॉइंटर सेट करने हैं, हमें बीच में इंसर्ट करना है। तो आगे के स्टेप्स हैं कि आपको प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को, इसको आपको न्यू नोड का एड्रेस देना है, यानी प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को इक्वल टू न्यू नोड का एड्रेस देना है, यानी कि अब ये इसे पॉइंट करेगा, राइट। इसे पॉइंट करेगा तो ये लाइन जो, ये जो मतलब लिंकिंग है ये हट जाएगी और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करवाना है आपको करंट से, इक्वल टू करंट। तो इन दो चीज़ों से क्या होगा, इन दो लाइन से, कि आपकी ये वाली नोड, न्यू नोड जो है वो दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगी। तो इसमें इतने ही स्टेप्स हैं जिनसे आपकी एक नोड जो है किसी भी कहीं पे भी दो नोड्स के बीच में इंसर्ट हो सकती है। अब लास्ट केस है हमारा कि अगर हमें लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट के एंड में न्यू नोड इंसर्ट करनी है, लेट अस सपोज ये हमारी न्यू नोड है, अगर हमें ये अपनी न्यू नोड जो है वो लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करनी है तो क्या स्टेप्स बनेंगे, अब वो देखते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेंगे हम करंट और उसे इक्वल कर देंगे फर्स्ट नोड के, यानी कि स्टार्ट जिसे पॉइंट कर रहा है उसे ही हम हमारा करंट पॉइंट करेगा, राइट। अब हमें क्या करना है, करंट को मूव करना है टिल हमारा करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता।
तो अब हमें रिपीट करना है तब तक जब तक हमारा करंट का नेक्स्ट जो है वो इक्वल टू नल नहीं हो जाता। तो क्या रिपीट करना है हमें, करंट को मूव करना है उसकी नेक्स्ट लोकेशन में, करंट को मूव करना है सक्सेसर नोड पे, राइट। अभी करंट नल का नेक्स्ट नल नहीं है, इसे हम मूव करेंगे और ये हमारा जब करंट थर्ड इस नोड पे आ जाएगा, लास्ट नोड पे आ जाएगा, जब करंट नोड नेक्स्ट नल हो जाएगा तो ये एग्जिट करेगा लूप। और उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी न्यू नोड की लिंकिंग करनी है अपनी लिंक लिस्ट में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम करेंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट में हम किसे देंगे, क्योंकि हमें ये लास्ट में इंसर्ट करनी है, तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये नल यहाँ से हटके इसे पॉइंट करने लग जाएगा न्यू नोड को, राइट। अब क्या करना है हमें, अब क्योंकि ये लास्ट नोड है सिंगली लिंक लिस्ट की, और आप जानते होंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड नल को पॉइंट करती है, तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हमें नल करना है। अब ये जो है ये नल को पॉइंट करेगा, तो इससे हमारी न्यू नोड एंड में सिंगली लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट हो जाएगी। तो ये चार स्टेप्स हैं इसके लिए। बाकी आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पूरा प्रोग्राम आपको जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है securecareer.in का, उसमें आपको उसका इस पूरा जो प्रोग्राम है वहाँ आप देख सकते हैं। और सिंगली लिंक लिस्ट के लिए आज ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।